रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का रिजल्ट और आंसर की कब तक आएगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है और जो मेला एक चला था ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर, अब बारी है रिजल्ट और आंसर की का, किनका सिलेक्शन होगा और किनका सिलेक्शन नहीं होगा और कौन फिजिकल में चूज होंगे, सब कुछ इस डिटेल में वीडियो में बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं सक्सेस की 98 पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे हमारे चैनल के द्वारा। आपको पता है कोई भी अगर न्यूज हम लोग अपडेट करते हैं तो वो जेन्यून करते हैं और इसमें भी आपको जेन्यून दिखाऊंगा न्यूज क्या है, ठीक है। और ये आप भी देख सकते हैं, मान लो अगर आप गूगल ओपन करते हैं अपने फोन में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, कहीं पर भी गूगल में आपको टाइप करना है रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट, जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये सारा पेज खुल जाएगा। और ये सारा पेज खुलने का मतलब ये है, आपको बस एक जो न्यूज चैनल है उसकी न्यूज मैं नहीं दिखा रहा हूं, सभी अधिकांश सभी न्यूज चैनल ने यह पब्लिश किया है, या फिर आप मान लो द इंडियन एक्सप्रेस, ये ट्रस्टेड है, इसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। अक्सर क्या होता है अमर उजाला वगैरह बहुत फेक न्यूज पब्लिश करते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। जस्ट नीचे एक दिन पहले एनडीटीवी खबर, जनसत्ता, यानी फिर आप देखोगे अधिकांश हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, सभी ने ये पब्लिश कर दिया है अपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सोर्स के अनुसार कि जो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट है, मैं आपको द इंडियन एक्सप्रेस का खोलकर दिखाता हूं, सभी में यही पब्लिश है। रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो जनवरी के एंड में आ सकता है या फिर आप लेकर चलो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और जो आंसर की है, देखो द आरआरबी ग्रुप डी आंसर की विल बी रिलीज ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जैन, और जो आंसर की है आपको रेलवे की तरफ से आंसर की दिया जाता है कि आप देख लो कि आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, वो आंसर की ताकि आप एक अनुमान लगा पाओ कि आपका नंबर कितना आ रहा है आंसर की के अनुसार, वो जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के सेकेंड वीक तक आपका ये आ जाएगा। और ये न्यूज जो है वो किसने बोला है तो देख लो, नीचे में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है पूरा। द आंसर की ऑफ द आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन विल बी रिलीज्ड ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, आरआरबी ऑफिशियल अंगराज मोहन सेड, एडिंग जो आरआरबी ऑफिशियल के अंगराज मोहन है उन्होंने बोला है, एडिंग दैट द रिजल्ट विल बी रिलीज्ड ऑन द लास्ट वीक ऑफ द सेम मंथ, यानी जनवरी के लास्ट मंथ में, यानी मानकर चलो लास्ट हफ्ते में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये मानकर चलो जो फिजिकल की तैयारी है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये है कट ऑफ कितना जाएगा, फिजिकल की तैयारी करे कि नहीं करे, ये सब बहुत जन के माइंड में चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूं शाम तक एक वीडियो बना दूं फिजिकल के ऊपर कि उसकी तैयारी कैसे करना है आप सभी को, ठीक है। ये मत सोचो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, डर लग रहा है, क्योंकि आप ये सोचो आपके पास अभी आने वाला बहुत सारा रेलवे का एग्जाम है, एनटीपीसी का। एनटीपीसी का मतलब है नॉन टेक्निकल, जैसे गुड्स गार्ड्स हो गए, टीटी हो गए, बुकिंग क्लर्क हो गए, ठीक है। तो ये सब भी आपके सामने एग्जाम अभी आने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेलवे में सिर्फ ग्रुप डी और एएलपी की वैकेंसी चलती है, सिर्फ बस इतने ही वर्कर काम करते हैं, रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट के काम करते हैं, जैसे जेई का वैकेंसी आने वाला है। तो आप लगे रहो, अपना मेहनत मत छोड़ो, मैं बोलूंगा मेहनत, जो आपने एक कारवा स्टार्ट किया था एग्जाम से पहले, वो मेहनत जब तक आप अंजाम तक ना पहुंच जाए, जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाए, तब तक अपना जो मेहनत है, जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है, वो आपको दिखना चाहिए, वो दिखाना भी चाहिए कि हाँ एग्जाम के प्रति मैं स्टार्टिंग से लेकर सीरियस था, रिटर्न तक। अब लास्ट मौका आया, पता चला कि रिजल्ट तो निकल गया है लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं हुई, तो बहुत अफसोस होगा। तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, मैं तो यही बोलूंगा आप सभी को। कोशिश करता हूं शाम तक आपको फिजिकल के ऊपर एक वीडियो दे दूं कि तैयारी करना कैसे है, ठीक है। दूसरी बात, ये तो क्लियर हो गया है आप सभी को इस वीडियो के अनुसार कि रिजल्ट कब तक आ रहा है और आंसर की। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो शेयर कर दो जिन्होंने भी एग्जाम दिया था रेलवे ग्रुप डी का, ताकि उनको एक अनुमान लग जाए, एक आइडिया लग जाए कि फिजिकल की तैयारी करने के लिए कितने समय हाथ में है, कब तैयारी करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए।